रेड्डी ब्रदर्स के हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ, येदुरप्पा के हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ, किसको सजा हुई, कौन जेल गया, क्या हुआ व्यापम घोटाले का जो हजारों करोड़ का घोटाला था, क्या हुआ नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का जो 20,000 करोड़ लूट के भाग गए जिसको मोदी जी कहते हैं मेहुल भाई, क्या हुआ नितिन संदेसरा का 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जिस तरह से सुबह से लगातार मैं देख रहा हूं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सारा काम छोड़ के आज उनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है, एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल को टारगेट करो, उनके खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दो, जितनी कार्रवाइयां जितनी कोशिशें हो सकती है करो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज एक संदेश पूरे देश को यह भी दिया है कि अगला 2024 का जो चुनाव हिंदुस्तान में होने जा रहा है वो चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। आज की घटना से, भाजपा की बौखलाहट से, मोदी जी की बौखलाहट से यह भी साबित हो गया है कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही दिल्ली और पंजाब से निकलकर अरविंद केजरीवाल जी गुजरात पहुंचते हैं, कहते हैं हम दिल्ली का मॉडल पंजाब का मॉडल गुजरात में लाएंगे, लगातार प्रधानमंत्री जी हमलावर हो जाते हैं, फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी। उसके बाद जब उस पर केजरीवाल जी खुलासा करते हैं कि भैया फ्री की रेवड़ी तो तुमने अपने दोस्तों को बांट रखी है, 10,00,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, 5,00,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया, तो बोले सीबीआई ईडी को काम पे लगाओ और मनीष सिसोदिया पे सीबीआई ईडी। और किस दिन कौन सी तारीख चुनी, प्रयास तो बहुत दिन से था, तारीख वो चुनी गई जब अमेरिका के अखबार में, एक प्रमुख अखबार में पहले पृष्ठ पर मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति की खबर छपती है। तो इन पूरी घटनाओं से कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि दरअसल अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा। और हम लड़ेंगे, एक बात बहुत स्पष्ट दोपहर में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। हमारा काम नहीं रुकेगा, आप बंद कीजिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, आप कार्रवाई कीजिए शिक्षा मंत्री के ऊपर, लेकिन दिल्ली का कोई काम रुकेगा नहीं। एक अनपढ़ों की जमात ने मैंने देखा सुबह से एक प्रोपेगंडा फैला रखा है, कह रहे पेड न्यूज छप गया, पेड न्यूज छप गया। अरे भाई, उसी अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जहां मोदी जी के इतने दोस्त रहते हैं, उसी अमेरिका में कोरोना के मिसमैनेजमेंट की खबर छपी कि कितनी बुरी हालत मोदी जी की सरकार ने कोरोना के समय में देश की जिससे लाखों लोगों की मौत हुई। आप भी पेड़ छपवा लेते, अपनी तारीफें छपवा लेते, आपके पास कहां पैसे की कमी है, केंद्र की सरकार है, कई राज्यों में सरकार है,
और अनपढ़ों की जमात क्यों कह रहा हूं, जिस खलीज टाइम्स का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें तो साफ तौर पे लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है। तो जब वो अखबार ही लिख रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है, तो उसमें फोटो भी वही रहेगी, लैंग्वेज भी वही रहेगी, लिखने वाला भी वही रहेगा। जैसे आप अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल की वीडियो फुटेज चलाते हैं तो लिखते हैं उस चैनल का नाम कि सौजन्य से इस चैनल के। अब अगर यह अखबार लिख रहा है, कह रहे नहीं नहीं विज्ञापन है, मतलब क्या है कि केजरीवाल के किसी अच्छे काम को देखना, ये गांधी जी के बंदर हो जाते हैं केजरीवाल के काम के मामले में। ना तो केजरीवाल का काम देखेंगे, ना सुनेंगे, ना कुछ बोलेंगे। जैसे ही केजरीवाल के सरकार के शिक्षा के स्वास्थ्य के कोई अच्छे काम की चर्चा होने लगती है, तुरंत ये गांधी जी के बंदर हो जाते हैं, कहते हैं ना हम अच्छा काम देखेंगे, ना अच्छा काम सुनेंगे, ना उस पर कुछ बोलेंगे। ये हालत हो जाती है, गांधी जी के बंदर बन जाते हैं लोग। अरे गांधी जी के बंदर तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो के लिए बने हुए थे, तुम तो केजरीवाल से दुश्मनी कर रहे हो। तो कुल मिलाकर मैं फिर यही दोहराना चाहता हूं, 7-8 घंटे से जांच चल रही है, 1,000 जांच कराओ। पहले भी भाजपाइयों आपने जांच कराई थी, कई कई बार आपने जांच कराई थी। मुझे याद है ऐसे ही चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे जब केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापे मारे थे आपने, तब कहा था राजेंद्र कुमार का बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया। क्या हुआ, 7 साल हो गए उस जांच का, कोई जवाब देगा? मनीष सिसोदिया जी के घर पे पहले भी आपने सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला उसमें, कोई जवाब देगा? 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, बाद में क्लीन चिट दे दिया, क्या निकला कोई बताएगा? 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोई कार्रवाई की? उन पर कुछ साबित हो पाया? कोर्ट ने बरी किया और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कई मामलों में। इतनी दुर्भावना से कार्रवाई, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है वो हरिश्चंद्र हो जाता है। येदुरप्पा भ्रष्टाचार के मामले में निकाले गए, फिर उन्हीं को पार्टी में ले लिया, उनको संसदीय बोर्ड में शामिल कर दिया। रेड्डी ब्रदर्स के हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ? येदुरप्पा के हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ? किसको सजा हुई, कौन जेल गया? क्या हुआ व्यापम घोटाले का, जो हजारों करोड़ का घोटाला था? क्या हुआ नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, जो 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, जिसको मोदी जी कहते हैं मेहुल भाई? क्या हुआ नितिन संदेसरा का, 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, क्या हुआ? हमने बताया कि कोरोना के समय में कई संस्थाओं ने, कई सरकारों ने टैक्स माफ किया, लाइसेंस फीस माफ की, हमने भी माफ किया। बार बार वही सवाल आप पूछे जा रहे हो। आपने तो 10,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, 10,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा, उस पे हिसाब आप देते नहीं। 5,00,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, उस पे आप हिसाब नहीं देते। बताइए ना कितना कमीशन लिया उन लोगों से, कितनी रिश्वत खाई 10,00,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ करने की, कितनी रिश्वत खाई 5,00,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने की, कितनी रिश्वत मिली भाजपा को, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए आप। 42,000 करोड़ रुपए जिस कंपनी ने घोटाला किया DHFL ने, उससे 29 करोड़ रुपए बीजेपी ने चंदा लिया। बताइए कितने बीजेपी नेताओं से ईडी सीबीआई ने पूछताछ की, बताइए। एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, कितने पे कार्रवाई हुई बताइए आप। मुकुल राय आपकी पार्टी में आ जाए तो शारदा घोटाला खत्म, हेमंत विश्व शर्मा आ जाए आपकी पार्टी में तो घोटाला खत्म। अब बताइए शराब का मुद्दा आप उठा रहे हैं, गुजरात में जहरीली शराब का, नकली शराब का 10,000 करोड़ रुपए का धंधा होता है हर साल,
आप बताइए कितने पे कार्रवाई हुई, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइए, देश को जवाब दीजिए, कितने बीजेपी नेताओं को आपने जेल में भेजा, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की। तो इसलिए सिर्फ केजरीवाल को टारगेट करना है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना है, आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरा देश इस बात को देख रहा है। दुनिया को नंबर वन बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है और वो मिशन अब रुकेगा नहीं इन कार्रवाइयों से। आपको जितनी कार्रवाई करनी है कीजिए, हम अपने उस मिशन का विस्तार कर रहे हैं और वो पूरे देश में फैल रहा है। केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को आप रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी, आप जो भी चाहे कार्रवाई कर लीजिए, मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो जी पूछिए। क्या घोटाला हुआ है आप बताइए ना, क्या घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ है, कहां हुआ है? स्विस बैंक में 3 गुना काला धन बढ़ गया, घोटाला हुआ, कहां गया? कोई जांच, कोई कार्रवाई? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, 42,000 करोड़ जिस DHFL ने घोटाला किया, उसने 29 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया है, कोई जवाब है इनके पास? खाली मुंह से बोलने से घोटाला हुआ है? अरे ये तो वो पार्टी है, कमीशन की बात कर रहे थे आज, मैं सुन रहा था भाजपाइयों को, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कमीशन लेते हुए कैमरे पे पकड़ा गया, किसी और प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, जिनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं, वो लोग आज उपदेश दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि CBI की जांच का स्वागत किया हम लोगों ने, आप कराइए जांच, जैसे पिछले तमाम मामलों में कुछ नहीं निकला, ऐसे ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी के मामले में भी कुछ नहीं निकलेगा, ये तय है। बीजेपी ये कह रही है संजय जी कि इसके फिल्म के डायरेक्टर तो केजरीवाल जी हैं, CM, उनके पास विभाग नहीं है, वो इसलिए होशियार रहते हैं, लेकिन अपने मंत्रियों को फंसा रहे हैं। और इन कार्रवाइयों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनको सामने आना चाहिए, पीठ पीछे से कार्रवाई ना करें, सामने आके लड़े, चुनाव में लड़े, ठीक है, जीत हार होती है। आप इतना क्या बौखला गए गुजरात पहुंचने से केजरीवाल जी के कि आप रोज कार्रवाई, रोज छापा, रोज सब कुछ शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर तो पहली बार नहीं, इन्होंने बहुत बार कार्रवाई की है, सैकड़ों बार की है, ये फिर कर रहे हैं, और जितनी बार ये कार्रवाई करते हैं उतनी बार आम आदमी पार्टी और मजबूती से सामने आती है, जितनी बार ये कार्रवाई करते हैं उतनी बार देश की जनता में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की लोकप्रियता और बढ़ती है। क्यों? उसकी वजह समझ लीजिए, क्योंकि जब आप अनाप शनाप आरोप लगा के, झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के एक आदमी को परेशान करेंगे तो इस बात को लोग अच्छा नहीं मानते। आप पर, आपके पास एजेंसियां हैं, आप केजरीवाल को परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच को आप झुठला नहीं सकते। धन्यवाद।